और राहुल गांधी के स्वागत में तेजस्वी यादव पहुंचे और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठकर राहुल गांधी को ले गए, तो वाकई में इन दोनों नेताओं की जोड़ी वहां जो मौजूद इनके समर्थक थे उन्हें खूब रास आई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, वाकई में ये तस्वीरें महागठबंधन के लिए काफी सुखद संकेत हैं कि जिस तरह से दोनों युवा नेता एक साथ वहां पहुंचे और कार्यकर्ता काफी खुश दिखे इस बात से। बिल्कुल, देखिए जो राहुल गांधी के जो रोड शो में आज तेजस्वी ने जिस तरह से ड्राइविंग सीट पर ड्राइविंग की, उसके बाद एक चर्चा का माहौल बन गया खासकर के महागठबंधन के बीच में और बिहार की सत्ता के गलियारे में कि फिर से एक बार राहुल गांधी के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। और उदय, आपको याद होगा एक बार सभा में राहुल गांधी को तेजस्वी ने कहा था मंच से कि आप क्षेत्रीय दलों को उस राज्य में ड्राइविंग सीटें बैठाइए, आपको हम दिल्ली के गद्दी तक पहुँचाने का काम करेंगे। यानी कि अगर तेजस्वी का साफ तौर से यह कहना था कि अगर आप बिहार में हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हम लोग दिल्ली का जो रास्ता है वो आपके लिए बनाएंगे और आपको दिल्ली की गद्दी तक ले जाएंगे। और हम लोग दिल्ली के दावेदार बिल्कुल नहीं हैं, हम जिस राज्य में हैं हम सिर्फ वहीं काम करना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। तो आज जो ड्राइविंग सीट पर जो बैठ करके तेजस्वी ने ड्राइविंग किया और राहुल गांधी का रोड शो में उन्होंने जो नज़ारा बनाया है वो साफ संकेत दिया जा रहा है एक ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है महागठबंधन के, तमाम जो अभी हताश निराश थे नीतीश कुमार के अलग होने से और महागठबंधन की जो सरकार चली गई उसके बाद, उसमें एक जान फूंकने की कोशिश की गई है तेजस्वी के द्वारा। और राहुल गांधी के रोड शो में जिस तरह से तेजस्वी शामिल हुए हैं तो वो एक रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, और इसमें बहुत हद तक बहुत फायदा भी होगा महागठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को। जो कार्यकर्ता कल निराश थे उन्हें इस पूरे दृश्य के बाद, जो कार्यकर्ता वहां नहीं जा सके खास करके वो आरजेडी के कार्यकर्ता जो औरंगाबाद या कैमूर या रोहतास के सभाओं में या रैलियों में या रोड शो में शामिल नहीं थे, उनको एक मैसेज दिया राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिल करके कि हम लोग एकजुट हैं और आप लोगों को अब इस साथ इसी गठबंधन में आगे काम करना है। और तेजस्वी यादव ने आज अपने बयान में भी उदय कहा कि ये महागठबंधन की रैली है, ये जो न्याय यात्रा चल रही है कांग्रेस की जरूर है लेकिन ये जो रोड शो है या जो ये यात्रा है इसे महागठबंधन का नाम दिया। तो एक तरीके से कल तक जो रैली को लेकर के लगातार झटका पे झटका कांग्रेस को लग रहा था, जिस तरह से बंगाल में प्रवेश करने से पहले ममता कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने 11 सीट से ज्यादा देने की बात कही तो 11 सीट से ज्यादा हम कांग्रेस को नहीं देंगे, तो वहीं आरजेडी का जो ये चेहरा सामने आया खासकर तेजस्वी यादव का जो चेहरा सामने आया और जिस तरह से ये तस्वीर आई है इसके बाद कांग्रेस को भी बहुत बड़ी राहत मिली होगी। और एक जो लगातार जो विपक्ष कमजोर हो रहा था खासकर के इंडिया गठबंधन जो कमजोर हो रहा था, जिस तरह आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान ने कह दिया कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ने तो पार्टी या गठबंधन ही छोड़ दिया, अलग हो गए, तो एक बहुत बड़ा झटका के बाद इस तस्वीर से इंडिया गठबंधन को थोड़ी ताकत जरूर मिली होगी। जी उदय, बिल्कुल। और इसे चूंकि बिहार में खत्म हो रही है न्याय यात्रा और वो चंदौली के रास्ते यूपी चली जाएगी, तो जाते जाते लगता है कि एक बेहतर मैसेज देने में कामयाब रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी अभी कांग्रेस और महागठबंधन पूरी तरह से मुखर है। बिल्कुल, देखिए अगर किसान आंदोलन की बात कही जाए या किसान की बात कही जाए तो आज किसान महापंचायत राहुल गांधी ने किया, वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो किसान की बात नहीं करती है। और आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन इन्होंने किया उसमें अंबानी अडानी और अमिताभ बच्चन जैसे सरीखे लोग दिखे, कोई किसान कोई मजदूर नहीं दिखा, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे उस वक्त भी जिस समय पूरा देश ये जश्न मनाने की कोशिश कर रहा था खास करके बीजेपी के लोग कि राम मंदिर बनकर के बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन किसान मजदूर या जो बेरोजगार लोग हैं वो आज भी अपने रोजगार को तलाश में है या रोजगार में लगे हुए हैं। तो किसान जो आंदोलन एक जो माहौल बन रहा है खास करके दिल्ली में फिर से, तो उसको राहुल गांधी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के हक में ये पूरा मामला आ जाए किसानों को लेकर के, क्योंकि किसान और मजदूर वर्ग एक बड़ा वर्ग है जो वोट देता है खास करके, क्योंकि ये लोग अपने ग्रास रूट पे रहते हैं या फिर वैसे जगह गांव में रहते हैं जहां पर वोट डाला जाता है, बूथ बनाए जाते हैं, और वो लोग अगर वोट करने लगे कांग्रेस को तो चीजें फिर चेंज हो जाएगी और जो इंडिया गठबंधन का जो एक स्वरूप है वो फिर बदलने लगेगा। इसीलिए आज किसान मजदूर की बात राहुल गांधी ने खुल करके की है।
बिल्कुल, देखने वाली बात होगी इसका असर क्या कुछ होता है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अब चूंकि यात्रा लगातार चल रही थी और अब यात्रा खत्म होकर चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश कर जाएगी, तो देखने वाली बात होगी इसका असर क्या कुछ दिखता है।